हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, ये देखो यहाँ पर किचन के लिए आज नई चीज़ आने वाली है, मतलब आ गई है। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चीज़ के लिए। और देखो ये चीज़ निकल गई है ये टेम्पो से, और क्या है आप गेस कर रहे हो। तो देखो क्या है, अब बॉक्स से पता ही चल गया होगा आपको, बट फिर भी आपको थोड़ी देर के बाद दिखा दूँगी कि क्या है उसमें क्या नहीं। अभी इसका थोड़ा सा बिल का देख लेते हैं, और ये थोड़ी सी प्रोसीजर होती है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी दिनों से ये चीज़ मुझे चाहिए थी, उसके लिए जगह भी बना के रखी थी, बट अभी ले रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। देखो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वो चीज़ लेने से अच्छा है, और अभी इसकी ज़रूरत है इसी वजह से ले ली, और अभी बिल कर लूँगी। और हाँ, आज ना वो क्या बोलते हैं, वो जो पॉट है हमारे, उसके लिए स्टैंड बनाने के लिए आने वाले थे लोग, और आ गए थे, और उसके बाद वो अचानक से चले गए, तो वो स्टैंड भी बाकी है। नहीं तो मैं आज आपको वो स्टैंड दिखा देती कि कैसे बना है। एक्चुअली उस स्टैंड के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो जो गमले हैं, मतलब जो मेरे पॉट्स हैं, वो आ जाएंगे उसमें, और ज़्यादा मेस नहीं दिखेगा, तो इसीलिए। और काफ़ी सारा लोहा भी बचा है, तो उसमें बनवा लेंगे। और यहाँ पर सिलेंडर मैंने बुक कर दिया था, तो वो सिलेंडर आ गया था, इसी वजह से पुराना वाला लेके गया है वो भैया, और ये जो भरा हुआ है वो देख के गया है। तो देखिए गाइज, मैंने आपको कल ही बोला कि बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और बारिश स्टार्ट हो गई आज। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखो अद्वी, ये देखो ये तो कभी भी स्वेटर पहनता है, और वो भी उसके बचपन का स्वेटर पहन रहा है होता है क्या? हाँ, दिख ही रहा है कितना होता है आपको, क्रॉप टॉप जैसा हो रहा है आपको, देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया मौसम हो गया है। चलो बारिश एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आप लोगों ने बोला था ना दी गैलरी में झूला टांगना, तो हम लोगों ने ये वाला झूला पहले ही टांग दिया था, मतलब आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिल ही जाता, बट आप लोगों ने पहले ही बोल दिया। हम लोगों ने वो वेल्डिंग वाले भैया से वो पाइप को कली लगाने के लिए बोल दिया था, तो वो कली हमें लगवा के दे दी थी। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मैम के आने का टाइम हो गया है, थोड़ा सा उससे पहले वो होमवर्क वगैरह कर लेते हैं। तो गाइज, अभी करने वाली हूँ मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, और आज बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं पेन क्यों हो रहा था और अजीब सा ही लग रहा था मुझे, तो इसी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जो आपने पहले देखा, थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया था, वही मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके बाद तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एनर्जी ही बिल्कुल बची नहीं थी, और आज मन भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ बहुत बार, तो मन नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो चलिए मैं आपके साथ स्किन केयर शेयर करती हूँ, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है दी एक्ने प्रोन स्किन के लिए स्किन केयर रूटीन शेयर करो, और मतलब जिनकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो चुकी है या बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा मार्क है या आपके डार्क सर्कल है, तो ये जो स्किन केयर रूटीन है आपके बहुत ही काम आने वाला है। मैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन दिखाने वाली हूँ, इसमें एक दो प्रोडक्ट्स ऐसे दिखाऊंगी जो आप यही रूटीन फॉलो कर सकते हो, बट नाइट टाइम में भी और डे टाइम में भी, मतलब डे क्रीम यूज करके डे टाइम में और नाइट टाइम में नाइट क्रीम यूज करके। और अभी ये प्रोडक्ट शेयर करने का रीजन ये है कि अभी काफी दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी अंडर आई क्रीम बताओ, अंडर आई जेल बताओ, अंडर आई सीरम बताओ, तो मैंने सोचा कि ऐसा सेल वगैरह आएगा तो आपके साथ शेयर करूंगी। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक मानसून मेनिया सेल है, इसी वजह से आप इस सेल में परचेस कर सकते हो, आपको काफी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे इस सेल में, और उसमें भी आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे गेट 100, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसी वजह से अभी ये प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो ये है सारे प्रोडक्ट जो डर्मोडॉक के हैं, और ये जो प्रोडक्ट है वो आपको कोई भी स्किन टाइप हो आपका सूट करने वाले हैं। आपकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन भी है तो भी आपको ये प्रोडक्ट सूट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल केमिकल फ्री है, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इसका नाम देखो डर्मोडॉक, तो इसी वजह से आपको समझ में आएगा। और जो प्रोडक्ट्स है वो ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट्स है, और ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट है। ऐसा नहीं कि ऑयल कंट्रोल है तो ड्राई स्किन के लिए अच्छे नहीं होंगे, ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट प्रोडक्ट है। तो सारे स्किन टाइप के लिए अच्छा है, और एक्ने प्रोन स्किन है तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। आपने काफी सारे चीजें ट्राई किए होंगे, बट इसको एक बार ट्राई करके देखो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि अभी आप ये स्किन केयर फॉलो करो और तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा डियर, नहीं तो आप आके कमेंट करोगे मुझे कि दी हो ही नहीं रहा है। आपको सब्र करना पड़ेगा, आपने तो सुना ही होगा सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र करना पड़ेगा, कंटिन्यू स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा ये सारा, और उसके बाद ही आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट ऐसा मिलेगा ना कि आप मतलब आपकी आंखें थमी की थमी रह जाएगी, इतना अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा आपको। बहुत ज्यादा ग्लोइंग स्किन हो जाएगी आपकी, बहुत ज्यादा अच्छी स्किन हो जाएगी, और काफी सारे प्रॉब्लम्स आपके स्किन के दूर हो जाएंगे। और गाइज आपको इस सेल में फ्लैट 15% ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप 100 के ऊपर शॉपिंग करते हो या मिनिमम 700 की शॉपिंग करते हो। तो इसके लिए आप PRNY ये कोड यूज कर लेना, और सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इन सारे प्रोडक्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर चेक करना। और इसके साथ साथ इस सेल का फायदा भी उठाना, जो भी प्रोडक्ट परचेस करने हैं जल्दी जल्दी परचेस कर लीजिए गाइज, क्योंकि सेल चल रहा है, सेल में बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल जाते हैं, तो जल्दी से इस सेल का फायदा उठाइए और जो भी आपको परचेस करना है वो परचेस कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ये डर्माडॉक का एंटी एक्ने फेस वॉश। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फेस वॉश है, और इसे आपको थोड़ा सा आपके हाथों पे लेना है, क्रिस्टल क्लियर जेल है ये, और इस तरह से आपको हाथों पे लेना है और आपके फेस पे इसे लगा लेना है, और बस इस तरह से आपको मसाज करनी है थोड़ी देर के लिए। आपको पहले थोड़ा सा गीला करना है फेस, नहीं तो आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है बस इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह का मसाजर है, मतलब ये थोड़ा सा कुछ इस तरह का मैंने ले लिया है, इससे मैं थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ और उसके बाद फेस वॉश कर लेती हूँ। ये तो मैं करती हूँ, अगर आपके पास है तो कर लो, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल हाथों से मसाज कर लो, बस इस तरह से मसाज कर लो और उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर सकते हो। और ये जो डर्माडॉक का एंटी एक्ने फेस वॉश है ना गाइस, इसमें है सिलिसिलिक एसिड। ये क्या काम करता है आपको बताती हूँ। ये जो आपके फेस पे अगर दाग धब्बे है उसे हटाता है, आपके फेस के पिंपल्स को कम करता है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, उसमें से जान निकाल देता है पिंपल्स में से, और उसके बाद क्या करता है, ऑयल कंट्रोल करता है आपके फेस से। और अगर आपके मस्से वगैरह है, बहुत लोगों के होते हैं छोटे छोटे मस्से होते हैं फेस पे और जाते ही नहीं है, वो फेस पे मस्से होते हैं, उसके बाद वो बड़े होते हैं, उसपे बाल भी निकल आते हैं, इसको यूज करने से वो धीरे धीरे कम होंगे। सैलिसिलिक एसिड वही काम करता है, मस्से वगैरह पिंपल्स वगैरह को कम करने का काम करता है। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। फेस वॉश करने के बाद आपको यूज करना है ये डर्माडॉक का ऑयल कंट्रोल फेस टोनर, ये विथ AHA है। जो मैं स्टेप फॉलो करने के लिए आपको बोल रही हूँ वो स्टेप आपको फॉलो करना है, जैसे कि मैंने पहले फेस वॉश किया, उसके बाद टोनर यूज कर रही हूँ, उसके बाद इसेंस यूज करूंगी, उसके बाद नाइट क्रीम यूज करूंगी। तो यही आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, तभी जाके आपका जो फेस है वो क्लियर हो जाएगा और आपके जो पिंपल्स है वो गायब हो जाएंगे, सारा कुछ जो भी आपको स्किन के प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे। बस जस्ट आपको स्प्रे करना है और इसे ड्राई होने तक वेट करना है या एब्जॉर्ब होने तक वेट करना है, बस इसे एब्जॉर्ब होने दूंगी और उसके बाद मुझे यूज करना है ये इसेंस, ये वाला इसेंस विथ एलेंटॉइन है। एलेंटॉइन क्या करता है, आपके फेस को ग्लोइंग बनाता है, आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है ये फेस सीरम, तो इसे बस यूज कर लेना है। ड्राई स्किन है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ऑयली स्किन है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ऑयल कंट्रोल करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, और अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल करेगा। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा ये इसेंस है, और फेस इसेंस लगाने के बाद आपको लगाना है नाइट क्रीम। तो नाइट क्रीम भी मैं यूज कर रही हूँ डर्माडॉक का ही, सारी चीजें मैं डर्माडॉक की यूज कर रही हूँ क्योंकि इनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये रेंज ही बनी हुई है एक्ने के लिए, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं इनके प्रोडक्ट्स। तो इसी वजह से अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो
तो आप इन प्रोडक्ट को डेफिनेटली ट्राई करो गाइज। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे है या आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स चले गए हैं, उसके दाग धब्बे रह गए हैं, तो भी आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो चुकी है, स्किन बिल्कुल भी नरिश नहीं है, तो आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा आपको। और यही रूटीन आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, मतलब कंटिन्यू करना है, तब जाके आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। एक दो दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपको आलस नहीं करना है, नाइट टाइम में भी अच्छे से स्किन केयर करना है, डे टाइम में भी अच्छे से स्किन केयर करना है, तब जाके आपके पिंपल्स रिमूव होंगे, उसके बाद आपकी स्किन क्रिस्टल क्लियर दिखेगी और काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो नाइट क्रीम है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अभी इसके ऊपर, तो बस थोड़ी सी ही लगती है, ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लगती है। काफी दिन तक आपकी ये प्रोडक्ट चल जाएंगे, एक बार अगर लोगे तो, और अभी लोगे तो आपको फायदा भी हो जाएगा, काफी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा। बस इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ ये अंडर आई रोल ऑन। और इसके बारे में मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि दी अंडर आई सीरम बताओ, अंडर आई जेल बताओ, अंडर आई रोल ऑन बताओ। तो ये जो रोल ऑन है मैंने पर्सनली ट्राई किया है, मैंने पर्सनली यूज किया है, तो उसके बाद ही इसका रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। इतना ज्यादा अच्छा है गाइज, मतलब एक्चुअली माही के भी कुछ दिन पहले थोड़े से वो हो गए थे, डार्क सर्कल हो गए थे, तो इससे ही कम हुए हैं। उसके बाद मेरे भी बीच बीच में डार्क सर्कल हो गए थे, इतने ज्यादा नहीं हुए थे बट बहुत लाइट डार्क सर्कल हुए थे, वो भी इसने कम किए हैं। तो इसमें ना रोल ऑन टाइप में एक रोल ये होता है, एक मोती जैसा होता है, और उससे ना ऑटोमेटिक मसाज होती है। यहाँ पर बस प्रेस करना पड़ता है आपको और बस यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है। प्रोडक्ट निकलने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से मसाज करनी है बस, और इतना ठंडा महसूस होगा आपको, और जल्दी से आपके रेगुलर यूज करने से जो आपके डार्क सर्कल है बहुत ज्यादा भी है ना, तो इससे कम हो जाएंगे। देखो इस तरह से मसाज करनी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हल्के हाथों से, और ये जो क्या बोलते हैं ये जो रोल है ये घूमेगा और इससे आपके ऑटोमेटिक मसाज होगी, तो बहुत ज्यादा अच्छा ठंडा महसूस होगा आपको, इसकी वजह से आपके डार्क सर्कल जल्दी से कम हो जाएंगे। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत इफेक्टिव लगा, इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हेलुरोनिक एसिड है इसमें, हेलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है आपकी स्किन के लिए, अच्छी स्किन हो जाती है, ग्लोइंग स्किन हो जाती है और बेदाग स्किन हो जाती है आपकी इससे। उसके बाद आपको यही स्किन केयर रूटीन दिन में भी फॉलो करना है सेम, सिर्फ नाइट क्रीम के बदले आपको ये वाली डे क्रीम यूज करनी है, स्किन ग्लो डे क्रीम। इससे आपकी स्किन ग्लो भी करने लगेगी, विटामिन ई है इसमें, तो इससे आपकी स्किन में आपको बहुत ज्यादा फर्क लगेगा। एक बार ये वाला रूटीन ट्राई करके देखो, कंटिन्यू करो, ये प्रोडक्ट काफी दिनों तक आपके चल जाएंगे। ये वाले प्रोडक्ट खत्म होने तक ही आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा, आप कंटिन्यू करोगे पक्का। प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इन प्रोडक्ट से। तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, आपको पक्का पसंद आने वाला है। और मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा GET100, उससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इन सारे प्रोडक्ट्स पे अगर आप इन्हें परचेस करते हो तो। काफी दिनों के बाद हमारे घर पे आ रहा है ये बाहर का नाश्ता। इन्होंने कचौरी, समोसा और गिलावड़ा लाया, मैं तो गिलावड़ा खाने वाली हूँ, बाकी बच्चे खाने वाले हैं, और ये तो बाहर से ही करके आ गया है तो इसी वजह से ये नहीं खाएंगे। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है ये गिलावड़ा जहाँ से ये लाते हैं, और इसके साथ ये वाली खट्टी चटनी मिलती है, और ये मिर्ची, और उसके बाद ये ऐसी चटनी मिलती है, एक ऐसे खट्टी मीठी चटनी रहती है, और ये समोसा कचौरी लाया है। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। किस किस को गिलावड़ा पसंद है कमेंट करके जल्दी से बताइए।
तो गाइज ये जगह खाली कर दी है हम लोगों ने और यहाँ पर ये माइक्रोवेव रख दिया है। एक्चुअली इसके ऊपर रखना था बट ये ग्लास थोड़ा सा ना मतलब जो डिस्टेंस है वो कम लग रहा है, इस वजह से ग्लास थोड़ा सा नीचे लेना है। और अब रखना है हमें ये जो है हमारा ओटीजी जो जो कल आया था और अभी ये अनबॉक्स किया है हम लोगों ने और इसके अंदर क्या क्या मिला है वो भी दिखा देती हूँ आपको। बस यहाँ पर ये जो जगह है मुझे अच्छे से सही लग रही है इसके लिए, तो इसी वजह से यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा सा खिसका दो ना वो जो ट्रे है, मतलब आप लोग पूछते हो ना कि इसके साइड में माइक्रोवेव के साइड में क्या रखा है, तो ये वाला ट्रे रखा है। इसमें कुछ चीजें होती है जैसे कि लौंग, ये जो है क्या बोलते तो ये रहता है नींबू सत रहता है, उसके बाद काली मिर्च और इसमें काला नमक रहता था, इसमें है काला नमक और इसमें इलायची रहती है, तो ये है। अब ये वाला ट्रे जो है मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ये अच्छे से आ जाएगा, ये जगह सही है इसके लिए। और बस चलो ओटीजी तो फिट आ गया इसमें, बट ये ना हाँ ये मैं सोच रही हूँ यहाँ रखूँ, बट ये बोल रहे कि ग्लास का ये जो नीचे का हिस्सा है तो ये थोड़ा सा ये सपोर्ट नहीं करेगा इसको। ओटीजी तो थोड़ा हल्का होता है बट माइक्रोवेव थोड़ा ज़्यादा हेवी होता है, इसी वजह से ये ऊपर रखने से सपोर्ट नहीं करेगा बोल रहे थे, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि ये जो इस ग्लास को लगाया है ये वाले इस तरह से ये इस ग्लास को लगाएंगे और फिर थोड़ा सा नीचे करेंगे और फिर जाके ये माइक्रोवेव इसके ऊपर रखेंगे। मुझे थोड़ा सा आपके कुछ आइडिया हो तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये यूनिट ना मैंने माइक्रोवेव और ओटीजी के लिए ही बनाया था बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ओटीजी हो गया है बड़ा और माइक्रोवेव छोटा हो गया है, तो माइक्रोवेव ऊपर रखे या ओटीजी ऊपर रखे समझ में नहीं आ रहा है। ये हल्का है तो ये बोल रहा है कि ऊपर ये रखो और माइक्रोवेव नीचे रखो, देखेंगे अभी क्या करना है, तो आप भी सजेशन देना मुझे। और यहाँ पर इसके साथ क्या क्या आया है वो दिखा देती हूँ आपको। इसके साथ एक मैनुअल बुक आया है, उसके बाद ये एक स्पून आया है मतलब ऐसे पकड़ने के लिए, और उसके बाद ये वाला क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, आप बताना अगर आप यूज़ करते हो ओटीजी तो। उसके बाद ये ट्रे आया है, मैंने इससे पहले ओटीजी यूज़ नहीं किया, अभी यूज़ करूँगी और उसके बाद आपको बताऊँगी। और आजकल माही को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया है ना बेकिंग का, इसी वजह से हम लोगों ने ये मंगा लिया। और उसके बाद ये वाला जो जाली है वो भी आया है, उसके बाद ये वाला जो ट्रे है छोटा वाला वो भी आया है, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ मिली हैं। और ये देखो ये इसका डोर है, तो ये इस तरह से ओटीजी है, अग्यारो ब्रांड का है ये, अग्यारो ब्रांड की बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसीलिए मैं अग्यारो ब्रांड से मंगा रही हूँ। ये देखो ये सारी चीज़ें इसके बताइए फंक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मतलब इससे पता चल जाएगा मुझे, पढ़ूंगी आराम से और उसके बाद इसे यूज करूंगी। और अभी इस माइक्रोवेव का कहाँ पर रखूँ क्या रखूँ समझ में नहीं आ रहा है, चलो अभी देखते हैं। यहाँ पर तो मैंने ये छोटे छोटे प्लांटर्स रख दिए हैं, इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, देखो कुछ भी नहीं लगाया, बहुत क्यूट से प्लांटर्स है ये, तो ये रखे है मैंने यहाँ पर, उसमें लगाऊंगी कुछ ना कुछ बट वो कहाँ पर रखूंगी वो तो अभी डिसाइड करना पड़ेगा बाद में। चलो अभी रख देते हैं ये, बोल रहे रख के देखेंगे, तो देखेंगे अभी रख के इस पे माइक्रोवेव, पता नहीं मैं तो मुझे तो डर लग रहा है, इनको भी डर लग रहा है बट देखेंगे अभी, क्योंकि ये जो ग्लास है ना वो मोटा है इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसको, बट ये नीचे वाला है इससे का ही हमें डर है थोड़ा सा। बस रख दो लेकिन बहुत हेवी है ये, देखो 20 लीटर का है बट इतना हेवी रहता है माइक्रोवेव, और वही ओटीजी इतना हल्का है कि अद्विक भी उठा सकता है ओटीजी को, ओटीजी में रहता ही क्या है मतलब, पता नहीं इसमें क्यों ये इतना हेवी रहता है, देखना उसका जो ग्लास है अंदर जो ग्लास है वो गिर जाएगा। ये देखो देखो इसके लिए परफेक्ट जगह है ये, बट हमें लग रहा है डर एक्चुअली, ये देखो कितना जबरदस्त लग रहा है ये यहाँ पे, इसमें बोर्ड में बोर्ड थोड़ा सा, मैंने बोला था ना आपको उसमें मॉड्यूलर बोर्ड ही चाहिए, इन्होंने ऐसे ही कुछ तो भी जुगाड़ कर दिया था। और इनको देखो पसीना कितना आ रहा है, इनको तो जल्दी है। मैं बोल रही हूँ ना अभी देखो, आप लोग बोल रहे थे कि बाल इतने लंबे लंबे रखोगी छोड़े हुए मतलब खुले छोड़ोगी तो पसीना आएगा ही, बट इनके कौन से बाल है यार अभी बताओ इनको, गर्मी ही बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये पसीना और ये इसका प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ये कैसा लग रहा है बताना जरूर मुझे कमेंट करके। ये एक यूनिट मैंने इसके लिए ही बनाया था, बट थोड़ा सा ग्लास नीचे करना पड़ेगा क्या?
नहीं ठीक है, क्योंकि ये जो है ओटीजे बहुत गर्म होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा उसको ठीक है, उतना जगह चाहिए ही उसे, उसकी भाप निकलने के लिए और ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, ये अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा उसका जुगाड़ करना, वो जो नीचे है। हाँ अच्छा लग रहा है ना, आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है ये। लेकिन ये जो है अंदर, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बोर्ड है, फोकस नहीं कर रहा है, बोर्ड जो है वो मॉड्यूलर नहीं है, वो चपटा बोर्ड चाहिए। मैंने पहले ही बोला था आपको, जब कारपेंटर का काम चल रहा था उस टाइम ही मॉड्यूलर बोर्ड लाने के लिए बोला था, लेकिन इन्होंने सुनी नहीं मेरी, मतलब इनको लगा कि ज़्यादा ही काम बढ़ रहा है अभी, एक एक नहीं नहीं लेकिन मुझे पता था ना, ये यहाँ पर अगर कुछ रखते हैं ना ऊपर तो प्रॉब्लम हो गई। मैंने बोला था ना कि ये प्लेट गिर जाएगी। लाइट है, यहाँ पे लाइट है। एक ही मिनट, लाइट जला के दिखाती हूँ ना मैं आपको, ये देखो इस तरह से लगेगा वो। बताना जरूर कमेंट करके कैसा लग रहा है। वो थोड़ा सा वायर उधर करो ऊपर अंदर, फिर पता चलेगा अच्छे से, मतलब जब वायर लग जाएगा, वायर बोल रही हूँ, जब पिन लग जाएगी, वायर वायर लग जाएगा। हाँ अभी देखो ये पिन लगने के बाद ऐसा लुक आएगा पूरा। माही इधर आओ, अरे क्लास 2 मिनट के लिए आओ, 2 मिनट के लिए, ये लुक बता दो सिर्फ कैसा लग रहा है। तो ये देखो और आपका नीचे वाला और मेरा ऊपर वाला क्योंकि आपको ज्यादा शौक है ना बेकिंग का। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है यहाँ पे। नहीं लेकिन ये पूरा लुक कैसा लग रहा है, ये यूनिट वाला बहुत अच्छा लग रहा है, जगह भी मतलब ज्यादा नहीं लग रही। हाँ इसी वजह से वो हम लोग वो काउंटर टॉप यूज कर सकते हैं, चॉपिंग वॉपिंग के लिए बनाया है ना वही, तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि अभी यहाँ पर रखूंगी नीचे तो ये काउंटर टॉप यूज नहीं होगा पूरा। वो हेवी है ना, लेकिन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव हेवी है बट ग्लास भी हेवी है ना बेटा। तो यहाँ पर ये काउंटर टॉप जो है हम लोगों ने चॉपिंग के लिए ही बनवाया था, इसी वजह से मैं सोच रही थी कि यहाँ पर अगर माइक्रोवेव यहाँ तक आ जाएगा तो चॉपिंग के लिए इतनी ही जगह बचेगी, उसमें मेरा ये ट्रे और ये सारी चीजें आती है, तो वही मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रही थी यहाँ पे, बट ये लकीली इस यूनिट में आ गया है और देखेंगे अब क्या जुगाड़ करना है। तो इसका क्लोज कर देता है, क्लोज करने से भी फायदा नहीं ना, वो क्लोज करोगे फिर भी मतलब यहाँ तक आ रहा है, देखो यहाँ तक आ रहा है और क्लोज करने के लिए जगह देखो इतनी सी है, इतना सेम में इसमें बैठ रही है, जब इतनी जगह है ना। हाँ सेम इतने अगर इधर हो जाएंगे तो इसमें फेटो फेट ही बैठ जाएगा। देखो अभी नाप लेके उसका, नाप लिया मैंने, नाप लिया क्या आपने? इसको तो थोड़ा सा देख लो, खोल के देखता हूँ, सर के देखो बाद में आपको। हाँ ठीक है ना, करो फिर ट्राई करके देखो। देखो यार पसीना कितना ज्यादा आ रहा है, ओ यार बाप रे बाप। अभी नहाने जाती हूँ और सबसे पहले मुझे कमेंट करिए कि मैं वो चीज कहाँ पे रखू, कौन सी चीज कहाँ पे रखू, क्योंकि मतलब यहाँ पर तो रखना है, पता नहीं अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो हम लोग दिमाग तो लगा ही रहा है, बट आपका भी आप सजेशन दे सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैं कौन सी चीज कहाँ पे रखू और कौन सी चीज कहाँ पे अच्छी लग रही है, या मैंने जो रखा है वही अच्छा लग रहा है। हम लोग थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही रहे हैं, देखेंगे अभी फाइनल रिजल्ट आपको कल के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, हम लोग क्या करने वाले हैं क्या नहीं, बट तब तक आपका आप सजेशन कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मतलब अगर आपका अच्छा लगा मुझे सजेशन तो वो मैं कर सकती हूँ, तो इसी वजह से। तो चलिए गाइज इसके साथ ही तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप गाइज आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसके अलावा मेरे 2 और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।